हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूरिक एसिड आपके शरीर में क्यों जमा हो जाता है? यूरिक एसिड क्या है और अगर गाउट की बीमारी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में तो कौन सी दवाई दी जाती है और वो भी कितने समय तक? आज हम जानेंगे इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड को कम करने वाली दवाई के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एलोप्यूरिनोल टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि एलोप्यूरिनोल जो टेबलेट है उसके फायदे क्या है, एलोप्यूरिनोल टेबलेट के साइड इफेक्ट, उसके डोजेज क्या है, साथ ही साथ एलोप्यूरिनोल जो टेबलेट है वो कौन से ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट होती है और एलोप्यूरिनोल जो टेबलेट है वो किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवान सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई वीडियो आप मिस ना करें। एलोप्यूरिनोल जो टेबलेट है उसमें दो स्ट्रेंथ अवेलेबल है, जिसमें है एलोप्यूरिनोल 100 मिलीग्राम एंड एलोप्यूरिनोल 300 मिलीग्राम टेबलेट। अब हम जानते हैं एलोप्यूरिनोल जो टेबलेट है उसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स क्या है, जिसमें है ज़ाइलोरिक टेबलेट, ज़ाइल टेबलेट, ज़ाइरिक टेबलेट, सिप्लोरिक टेबलेट। आपके एरिया एवं डॉक्टर के हिसाब से आपको इनमें से कोई भी दवाई मिल जाएगी, लेकिन उसका जो जेनरिक ब्रांड नेम रहेगा वो रहेगा एलोप्यूरिनोल टेबलेट 100 मिलीग्राम। यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड एक केमिकल है। जब आपके शरीर में प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन होता है तो वहां से यूरिक एसिड का सिक्रेशन होता है और प्यूरिन्स जो है वो आपके शरीर में यानी कि हर एक की बॉडी में पाया जाता है। वो ज्यादातर प्यूरिन्स मिलता है फूड्स में एवं ड्रिंक्स में। यूरिक एसिड जो है वो ज्यादातर ब्लड में डिजोल्व हो जाता है, उसके बाद वो किडनी में पास हो जाता है और धीरे धीरे वो यूरिन के माध्यम से आपके शरीर से एक्सक्रीट हो जाता है। जब ज्यादा अमाउंट में आपके शरीर में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है तब ये आपके शरीर में गाउट के रूप में बाहर आ जाता है और जिसको कहते हैं हाइपर यूरिसेमिया। अब हम जानते हैं एलोप्यूरिनोल टेबलेट के फायदे क्या है, जिसमें पहला है गाउट। गाउट में पेशेंट को बहुत ही ज्यादा सूजन आ जाती है और ज्यादातर ये होता है जॉइंट्स में, उसमें रेडनेस जैसा हो जाता है और बहुत ही ज्यादा अनबियरेबल पेन होता है, तो इस कंडीशन में भी एलोप्यूरिनोल टेबलेट दी जाती है। उसके बाद है हाइपर यूरिसेमिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके शरीर में कोई भी पार्ट्स में अगर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होने की वजह से यूरिक एसिड जो है वो ब्लड में भी बढ़ गया और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन आपके शरीर में हो गया है और ये ज़्यादातर दिखता है गांठ के रूप में, तो उसको कम करने के लिए भी ये दवाई दी जाती है। IBD यानी कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपकी आंतों में यूरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में जमा हो जाता है, तो इसको कम करने के लिए भी एलोप्यूरिनोल टेबलेट दी जाती है। हाइपोयूरिकोसूरिया, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके बॉडी में यूरिक एसिड का अमाउंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो यूरिन के माध्यम से नहीं निकल पाता और इसकी वजह से आपके किडनी में स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको एलोप्यूरिनोल जो टेबलेट है वो दी जाती है। टोफी, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सूजन आ जाती है, स्किन का जो कलर है वो येलो एवं वाइट हो जाता है और गांठ जैसा हो जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा होगा, ऐसी कंडीशन हो जाती है और अनबियरेबल पेन होता है, तो इस कंडीशन में भी एलोप्यूरिनोल टेबलेट डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। कैंसर पेशेंट जो रहते हैं उनको रेगुलर इंटरवल के दौरान कीमोथेरापी को लेना पड़ता है, तो उन पेशेंट में भी यूरिक एसिड का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उन पेशेंट को भी एलोप्यूरिनोल टेबलेट दी जाती है। जिन पेशेंट को टेबलेट्स अलाउड नहीं रहती तो उन पेशेंट को एलोप्यूरिनोल इंजेक्शन भी दिया जाता है टू कंट्रोल दी यूरिक एसिड सिंथेसिस इन द बॉडी। अब हम जानते हैं एलोप्यूरिनोल जो टेबलेट है उसके डोजेज के बारे में। एलोप्यूरिनोल का जो डोज है वो है 100 मिलीग्राम खाना खाने के बाद दिन में एक बार, फिर भी आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका सेवन करें। और एलोप्यूरिनोल जो टेबलेट है उसका मैक्सिमम डोजेज है 900 मिलीग्राम पर डे और ये ज़्यादातर देखा जाता है बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट किसी की शरीर में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है उन पेशेंटों में। अब हम जानते हैं एलोप्यूरिनोल जो टेबलेट है उसके साइड इफेक्ट के बारे में, जिसमें है आपको डिजीनेस यानी कि बहुत ही ज़्यादा चक्कर आते हैं, नींद आती है, आपको वॉमिटिंग जैसा महसूस होता है, साथ ही साथ
आपके स्किन जो है उस पर रैशेज हो जाते हैं, आपकी आइस का जो कलर है वो येलोइश हो जाता है, आपका मुंह का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, डायरिया जैसा हो जाता है, आपका जो विजन है वो ब्लर हो जाता है, यानी कि आपको धुंधला दिखता है। और बहुत ही कम पेशेंटों में रेयर साइड इफेक्ट जिसमें है मेल में इनफर्टिलिटी देखी जाती है और बाल झड़ना भी देखा जाता है। अब हम जानते हैं एलोपुरिनोल जो टैबलेट है वो किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है। अगर आपको एलोपुरिनोल जो कंटेंट है उससे एलर्जी है तो आपको ये दवाई का सेवन नहीं करना है। अगर आप ये दवाई का सेवन करते हो तो आपके स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती है और ब्रीथिंग में भी आपको डिफिकल्टी महसूस होती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी एलोपुरिनोल टैबलेट रिकमेंडेशन सेवन नहीं किया गया है। ब्रेस्ट फीडिंग महिला जो रहती है उन लोगों को एलोपुरिनोल टैबलेट अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही सेवन करें। अगर आप एलोपुरिनोल टैबलेट का सेवन करते हो तो आपको डिजीनेस यानी कि बहुत ही ज़्यादा नींद आती है एवं चक्कर आते हैं, तो आप कोई भी मशीनरी को ऑपरेट ना करें और कोई भी जो व्हीकल है वो ड्राइव ना करें। अगर आपको किडनी स्टोन की बीमारी है तो आप 2 लीटर से भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर दिन का पिए तो ही आपको एलोपुरिनोल टैबलेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा असर करेगी। अगर आपको असिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसेमिया हो गया यानी कि आपके ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट है वो और ज़्यादा बढ़ गया है, उसके सिम्टम्स एंड साइन जो है वो रेगुलर हाइपर यूरिसेमिया से कंटेंट नहीं है यानी कि मिलते जुलते नहीं है तो भी आपको ये दवाई का सेवन नहीं करना है। अब हम जानते हैं एलोपुरिनोल जो टेबलेट है वो कौन सी ड्रग्स के साथ इंटरैक्ट होती है, जिसमें है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एमोक्सिसिलिन, लिसिनोप्रिल, एनालप्रिल। अगर आप इनमें से कोई भी दवाई का सेवन करते हो तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं अगर आप एलोपुरिनोल टेबलेट का सेवन करते हो तो कौन से ऐसे डिसीज है जो उसके साथ इंटरैक्ट होते हैं, जिसमें है लिवर डिसीज। अगर आपको पुरानी कोई लीवर डिसीज की हिस्ट्री रह चुकी है या अभी फिलहाल आप कोई लीवर संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप तुरंत ही ये दवाई का सेवन बंद कर दें और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। दूसरा है किडनी डिसीज। अगर आपको किडनी की कोई भी पुरानी बीमारी रह चुकी है तो भी आप ये दवाई का सेवन ना करें। किसी का क्वेश्चन है कि अगर एलोपुरिनोल टैबलेट्स का सेवन करने वक्त मैं अल्कोहल का सेवन कर सकता हूँ, देखिए एलोपुरिनोल टैबलेट का सेवन अगर आप करते हो तो अल्कोहल का सेवन ना करें, क्योंकि अगर आपको गाउट एवं आईबीडी ऐसी कोई भी बीमारी है तो आपकी जो कंडीशन है डिसीज की वो और ज्यादा बिगड़ सकती है। दूसरा क्वेश्चन है एलोपुरिनोल टैबलेट कितने लंबे समय तक लेने की वजह से आपके शरीर में जो यूरिक एसिड का लेवल है वो धीरे धीरे कम होता है। देखिए अगर आप एलोपुरिनोल टेबलेट का सेवन करते हो तो बहुत ही लंबे समय तक आपको ये सेवन करना है और सेवरल मंथ यानी कि 3-4 महीने तक अगर आप ये दवाई का सेवन करते हो उसके बाद ही आपके शरीर में यूरिक एसिड का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अब हम जानते हैं एलोपुरिनोल जो टेबलेट है उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। एलोपुरिनोल जो कंटेंट है वो ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, तो वो आपके शरीर में जाके ब्लड में यूरिक एसिड का जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस हो गया है उसको धीरे धीरे कम कर देता है और इसकी वजह से यूरिक एसिड जो है वो गाउट हो गया या एवं कीमोथेरापी के पेशेंट हो गए उसमें लेवल यूरिक एसिड का धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये थी एलोपुरिनोल टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सारे लोग एलोपुरिनोल टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सके एवं कमेंट करके हमें बताइए कि आप कौन सी प्रोडक्ट एवं डिसीज के बारे में जानना चाहते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।